तो जी हाँ, आज मैं उदय सर आपके साथ यहाँ पर एक प्रयोग करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रयोग में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देखिए, हम लोग तो सब जानते हैं कि अधातु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि उससे विद्युत जो है प्रवाहित नहीं हो सकता है, विद्युत उससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेफाइट की जो है छड़ है, ठीक है, ये ग्रेफाइट की छड़ है और ग्रेफाइट एक अधातु है। लेकिन जैसा कि आप सबने पढ़ा है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। लेकिन आपने पढ़ा है, लेकिन आपने इसको प्रयोग के तौर पर अगर करके नहीं देखा है, तो आज आप मेरे साथ इसको देखेंगे कि कैसे जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए भी। ये अधातुओं में ये एक अपवाद है कि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक परिपथ जो है तैयार किया है। ये आप बैटरी देख सकते हैं, इसमें ये एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे तार, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सर्किट जो है पूरा नहीं है, ये परिपथ पूरा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या है कि देखिए, अभी डायरेक्ट आपको ये बल्ब हम जला के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये तो डायरेक्ट जल रहा है, आप तो देख रहे हैं, तो जलेगा ही, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इसे इस परिपथ को ग्रेफाइट की मदद से क्या है, ग्रेफाइट की जो छड़ है उसकी मदद से जो है इस परिपथ को पूरा करेंगे और इस बल्ब को जलाकर आपके सामने दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट का छड़ हो गया, ठीक है। तो इसे परिपथ के बीच में लगाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर इसके द्वारा धारा प्रवाहित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, तो ये ग्रेफाइट छड़ हो गया, ये एलईडी बल्ब, ठीक है, इसके एक सिरे के साथ हम ग्रेफाइट जोड़ देते हैं और यहाँ पर दूसरे सिरे के साथ तार को कनेक्ट करते। देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ठीक है, कि ग्रेफाइट से होकर विद्युत जो है क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे क्या होता है, विद्युत धारा जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है। जी हाँ, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होता है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ फिर से एक बार दिखा देते हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। तो स्टूडेंट, इस बात को आप याद रखेंगे, समझ लेंगे, इसे आप करके घर पे भी देखेंगे, आप ग्रेफाइट की छड़ आपको आसानी से मिल सकती है। आप जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें जो आप ब्लैक कलर का आप देखते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इस वीडियो से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसी दूसरे प्रयोग के साथ।